आपको खबर तो मिल चुकी होगी, इधर इंडियन एयरलाइंस का हाईजैक प्लेन लैंड हुआ। टीम हाईजैकर्स के साथ निगोशिएट करने के लिए तैयार है। 10-12 हॉस्टेजेस के जान लेना तुमके लिए बड़ा बात नहीं है। ये सब मामले डिप्लोमेसी से हल किया जाता है। Our officials will handle. क्या होते हैं वॉर, क्या हो जाती तहरन की वॉर की। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। ईयर 1757, जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार की इरादे से आई, तब शायद ही किसी को पता था ये भी बाकी देशों की तरह हमारे देश को लूटने आई है। ईयर 1857, जब ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए हमारे देश पर अपना शासन चलाया, और फिर 1857 की क्रांति के बाद इंडिया ब्रिटिश राज के डायरेक्ट रूल में आ गया, यानी यहाँ पर डायरेक्ट इंग्लैंड की महारानी का आदेश चलेगा। आज़ादी की बात हुई तो अंग्रेजों का यही कहना था कि यूरोपियन देशों को छोड़कर बाकी सारे देशों के लोग जाहिल है और शासन और सत्ता के लायक ही नहीं है। ऐसा रवैया यूरोपियन देशों का सिर्फ इंडिया के लिए नहीं था, बल्कि सभी देशों के लिए यही रवैया था। इसलिए उन्होंने अमेरिका में रहने वाले ट्राइब्स के लोगों को एडुकेट करने के नाम पर वहाँ के बच्चों को जबरदस्ती कॉन्वेंट स्कूल में भेजना शुरू कर दिया था। उनके कल्चर को बदलने की एक कोशिश की थी। उन्हें बार बार कह करके कत्ले आम किया गया। जहाँ एक समय पर रेड इंडियंस रहते थे, वहाँ पर अब ब्लैक व्हाइट का रेसिज्म देखने को मिलता है। यूरोपियन देशों ने पूरी तरह से रेड इंडियंस का वजूद मिटा दिया, और ब्लैक यानी कि अफ्रीकन लोगों के वहाँ इसलिए ले गए थे ताकि उन्हें अपना गुलाम बनाकर रख सके। अपने आप को सबसे ऊंचा समझना और अपने धर्म को सबसे ऊपर समझना, ये चलन बहुत समय से चला आ रहा है। अब कोई हिस्ट्री क्लास तो ये नहीं है जो मैं आपको ये सब बता रही हूँ। दरअसल हम बात करें जॉन अब्राहम की अपकमिंग फिल्म तहरन के बारे में। तहरन इराक का कैपिटल है, और 80 के दशक में ईरान की इराक से जंग हुई थी। हालांकि जंग बॉर्डर के मसले को लेकर हुआ था, पर अंदरूनी वजह कुछ और थी। और कुछ यही थी कि एक देश को दूसरे देश की सत्ता और धर्म समुदाय को खुद से ऊपर दिखाना की होड़ लगी थी। सत्ता पलट, सत्ता के लिए जंग और धर्म सुपरमेसी के नाम पर लोगों का इस्तेमाल करना, ये सब पहलू भी हमें तहरन की वॉर में बखूबी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी इस वॉर के पीछे कई पहलू छुपे थे, दूसरे देशों के अपने फायदे छुपे थे, जिसके कारण आम जनता की जिंदगियां कुर्बान हुई है। इन सब कहानियों को बड़े पर्दे पर लेकर आ रहे जॉन अब्राहम अपने फिल्म तहरन में। क्या सक्सेसफुल होगी ये फिल्म, ये तो वक्त ही बताएगा। आप बताइए, आपको हिस्ट्री का कौन सा इवेंट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है? क्या आपको पता है तहरन के इस वॉर के बारे में? क्या फायदा था दूसरे देशों को इस जंग से? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।